हाय गाइस, आज अपन जानने वाले डब्बा ट्रेडिंग होता क्या है एंड ये लीगल है या इलीगल है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। वन इज लीगल ट्रेडिंग, जो जहाँ पे आप ऑनलाइन शेयर्स परचेस करते हो, खरीदते हो, और एक होता है वर्चुअली। वर्चुअली मतलब जहाँ पे लीगली कुछ नहीं होता है। जैसे यू विल कॉल सम ब्रोकर, बोलेंगे ये शेयर का प्राइस 100 रुपये है, मेरे शेयर्स इतने खरीद लो, एंड जब 120 रुपये होगा बेच दो। ये सब ऑन पेपर होगा, उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। एक्चुअली किधर भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बस वो रिकॉर्ड करते हैं आपका परचेस सेल किस प्राइस पे होगा। अगर आपको 20 रुपये फायदा हो गया तो वो आपको पैसा देगा, एंड अगर आपको लॉस हो गया तो आपको उसको पैसा लाके देना पड़ेगा। तो ये बहुत ट्रस्टवर्दी लोग है तो ही होता है, क्योंकि यू नीड टू हैव दैट मच कैपेसिटी कि लॉस हो तो उसको पे कर पाए, एंड वो भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि फायदा हो तो आपको पहुँचा पाए। प्लस उसमें रिस्क एलिमेंट भी होता है। जैसे आपने बोला कि 120 में बेच दो, वो बोल भी सकता है अरे 120 नहीं 118 में बेच दिया, है ना, बेचते बेचते 118 हो गया। तो ये ऐसे उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो आज अपन जानेंगे कि बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है और हम कर सकते हैं कि नहीं। तो जब लीगल ट्रेड आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एस्टेट लगता है, ब्रोकरेज लगता है, देन AMC के चार्जेस लगते हैं। डब्बा ट्रेडिंग में आपको 1 रुपये चार्जेस नहीं लगेगा, बस उस बंदे का कमीशन जो होगा वो लगेगा, बट वो भी वो प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देगा। उसका जो भी कमीशन है वो देंगे, पर वो कमीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि रिस्क एलिमेंट रहता है, क्योंकि उसने आपके बेस पे खरीदा है, बेचा है, बस ऑन पेपर ही होता है। तो उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। तो उसके लिए कोई सेबी के गाइडलाइंस नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो इफ़ यू आस्क मी, इट्स वेरी रिस्की एंड आइडियली यू शुड अवॉइड इट सच काइंड ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज आप जिस बंदे के थ्रू खरीद रहे हो, बेच रहे हो, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज, करेक्ट। एंड अगर जेन्यून है तो फिर वो इलीगल ट्रेडिंग में क्यों है, है ना। दे कैन टेक प्रॉपर, ब्रोकर बन सकते हैं लीगली, अच्छा और कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली इसको इंडिया में बोलते हैं बॉक्स ट्रेडिंग, आपने शायद नाम सुना रहेगा, एंड US में उसको बोलते हैं बकेट ट्रेडिंग, जहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट ये वर्चुअली होता है। ये कमोडिटी में बहुत सारा होता है, मतलब ऑर्डर, मतलब यहाँ पे उनका नेटवर्क रहता है, आपको फोन करके ऑर्डर देना है, वो बस पेपर पे लिख के रखेगा कि इस बंदे ने इसमें खरीदा, इसमें बेचा, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस हुआ है, आपको इमीडिएटली उनको पैसा पहुंचना पड़ता है, फायदा हुआ है तो आपको उनसे पैसा लेना पड़ता है। तो नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन वीकली सेटल होते हैं, कुछ लोग डेली करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू, करेक्ट ना। एंड ऑपरेटर चार्जेस लेते हैं आपसे, ऑपरेटर क्या करते हैं आपसे चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप डिफरेंस पूछेंगे बिटवीन लीगल ट्रेडिंग एंड डब्बा ट्रेडिंग, लीगल ट्रेडिंग में चार्जेस आपको अलग अलग लगते हैं, डब्बा ट्रेडिंग में खाली बंदे के चार्जेस लगते हैं। एंड डब्बा ट्रेडिंग नथिंग बट बेटिंग, बिकॉज वी डोंट नो वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग, और बस फोन पे ऑर्डर बुक करते लुकिंग एट द स्टॉक एक्सचेंज, एंड जब बढ़ते तो उसे भी बेच डालो, अपना रिकॉर्ड कर दो बेच डाला, फिर उसने फोन नहीं उठाया, उसको पता है कि आप बेचने के लिए फोन कर रहे हो तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर वो फोन नहीं उठाया, ऐसी चीज़ें होती है। फिर जब वो फोन उठाएगा बोलेगा मैं बिजी था, दूसरे फोन पे था, क्लाइंट के फोन आ रहे, मैं भी क्या करूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। फिर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है कि इसमें बुक कर डालो, फिर व्हाट्सअप देखता नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन होने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बेसिकली करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड करना है तो दोनों पर्सन बहुत रिलायबल होने चाहिए, क्योंकि लीगली तो ये अलाउड नहीं है किधर भी, ना सेबी में अलाउड है। तो मैं एक वीडियो बनाने का पर्पज़ टू क्रिएट द अवेयरनेस, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं सर एकदम सेफ है, मेरे पहचान वाला बंदा है, कोई लीगल चार्जेस नहीं, अच्छा उसमें इनकम टैक्स भी देना है आपको, पूरा कैश का मनी होगा। तो ऑलरेडी मोदी जी कैश मनी को डिस्करेज कर रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द ब्लैक मनी विच इज ऑल्सो नॉट गुड साइन, थोड़ी चेक से होगा, ये सब कैश से होगा, तो आपके पास ब्लैक नहीं होना चाहिए, है ना, चेक से थोड़ी लेगा, चेक से नहीं लेगा, सब इलीगल चलता है। तो टेक्निकली माई ओपिनियन यू शुड अवॉइड इट। तो गाइस ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।